करेंगे राजस्थान का चौथा दौरा। कांग्रेस पायलट वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को भीलवाला के आंशिक का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 से 12:45 तक मालासेरी डूंगरी पर समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह सबसे पहले भगवान श्री देव नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जहां प्रधानमंत्री को मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल पूजा करवाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लाखों लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच से देंगे बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक मंच से गुर्जर समाज को बड़ा संदेश देंगे। सूत्रों के मुताबिक गुर्जर समाज के प्रदेश भर से कई संतों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप से कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। पीएम मोदी के दौरे से राजस्थान के मालासेरी डूंगरी को देश में नई पहचान मिलेगी। क्षेत्र का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा। मोदी गुर्जर समाज को सामाजिक तौर भी महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। कांग्रेस पायलट वोट बैंक में सेंध की हो रही तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के लगातार चौथे दौरे को सियासी ढंग से देखा जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए भाजपा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही सचिन पायलट का गुर्जर समाज पर प्रभाव कम करने की कोशिश भी की जा सकती है। इस साल होने हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में यह पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा है। इससे पहले मोदी 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिला के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इससे पिछले दौरे में 30 सितंबर 2022 को मोदी राजस्थान में आबू रोड आए थे। वह गुजरात के अम्बा माता से लौटते समय आबू रोड हेलीपैड पहुंचे और कार्यक्रम के मंच से ही राजस्थान की धरती और जन समूह को 3 बार झुककर प्रणाम किया। पीएम के दौरों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देश में गुर्जर वोट बैंक कितना है? देश भर में गुर्जर समाज की संख्या करीब 8 करोड़ है। प्रदेश में ये 60 लाख है। 11 लोकसभा और 35 से 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समाज का प्रभाव है। 33 में से 12 जिलों में गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुर्जर समाज के 12 नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें 8 जीते थे। भाजपा ने 9 गुर्जर नेताओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें से एक भी चुनाव नहीं जीत सका था। अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। 8 फीट ऊंचा पंडाल बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भीलवाड़ा में एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। स्टेज की लंबाई 28 फीट और 56 फीट चौड़ाई है। इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस पंडाल में लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं मुख्य पंडाल के साथ साथ अन्य पंडाल भी बनाए जा रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सकें। 3 किलोमीटर दूर की गई पार्किंग की व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी के भीलवाड़ा में हो रहे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी की धर्म सभा में आने के लिए वाहनों की पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर पार्किंग स्थल की साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। पार्किंग स्थल पर लोग अपनी 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को खड़ा कर सकेंगे।